सके में नागरिक समाज के अध्यक्ष भरत बसनेत ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सिक्किम सरकार के उस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है जिसके तहत 11 जुलाई को सरकार ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी की प्रस्तावित मेगा रैली पर बैन लगा दिया है। वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने यह कदम सच को दबाने और मुख्य सचिव सुरेश चंद्र गुप्ता को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए उठाया है। यहाँ आपको बताते चले कि गैंगटॉक जिला प्रशासन ने कल समूचे महात्मा गांधी मार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों पर 9 जुलाई से 12 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी थी। हाम्रो एउटै मांग थियो सिक्किम सरकारले सिक्किम को सचिव वर्तमान मुख्य सचिव सुरेश चंद्र गुप्तले गरेको घोटाला को जांच होस्। यो कुराको सरकार तर्फबाट कुनै प्रकारको सुनवाई नहुँदा जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन हुनु पर्यो र त्यसलाई अझै चाप दिनको लागि 11 तारिक हामीले शान्ति जुलुस गर्ने निर्णय लिएको। तर दुःखको कुरो लगत्तै 8 तारिकको दिन सिक्किमको गृह विभागका सचिवद्वारा COVID-19 को नेउमा नोटिफिकेसन जारी गरियो एक नम्बर र सँगसँगै लगत्तै फेरि केही समय बादमा 8 तारिकको दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अफिस जो डिसी इस्टबाट एउटा प्रोहिबिटरी अर्डर जारी गर्यो। यसले 144 धारा त्यो जग्गाहरूमा घोषणा गर्यो 4 ठाउँमा विशेष गरी जानी र एमजी मार्गमा पीस र्याली गर्छौँ भनेर जो हामीले घोषणा गरेको थियो जोइन्ट एक्सन कमिटीले त्यो ठाउँमा नै 144 धारा लगाइयो। और बसनेत ने दोहराया कि एससी गुप्ता को जारी किए गए चेक पर लिखावट उन्हीं की जैसी थी। साथ ही सवाल उठाया गया था कि सिक्किम के स्टंप पेपर पर राजस्थान में प्रॉपर्टी कैसे बेची गई। सिक्किमी नागरिक समाज पिछले कुछ समय से लगातार मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं 2 जुलाई को संगठन ने राज्य सरकार को मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। सुरेश चन्द्र गुप्ताज्यूले 3 तारिकको आफ्नो सफाइमा 6 चेक भन्नुभयो र त्यो चाहिँ किन भन्दा उनले राजस्थानको जमिन बिक्री गरेको भनेर भन्नुभएको छ। हामीले जनताको अगाडि मिडियाको अगाडि आएर हामीले भन्यौँ जो यो 8-6 चेक उहाँले भन्नुहुँदैछ उहाँको चेक हो यो चेकमा जुन सुरेश चन्द्र गुप्ता भनेर नाम लेखेको छ 9,50,000 वर्ड्समा लेखिएको छ यो यति यो लेख्ने अरू कोही होइन सुरेश चन्द्र गुप्तज्यू स्वयं नै हुनुहुन्छ। कारण यो चेकमा लेखेको ह्यान्डराइटिङ र उहाँले दिएको स्टेटमेन्ट यो दिएको छ स्टेटमेन्ट यो उहाँकै ह्यान्डराइटिङ हो।